हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक कॉलेज स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकता है, मतलब कैसे अपना बिजनेस जो है वो बिल्ड कर सकता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं कि ऐसे बिजनेस आइडियाज़ बताऊंगा जो या तो मैंने खुद किया है, या फिर ऐसे बताऊंगा कि जो आपको आंसर मिलने के बाद ऐसा ना लगे कि हाँ ये चीज़ कर नहीं सकते। मतलब सुनने में अच्छा लग रहा है लेकिन कर नहीं सकते, क्योंकि कई बार बिजनेस आइडियाज़ ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ता है। लेकिन कॉलेज टाइम पे हर कोई जानता है कि अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हैं तो हर कोई इतना एक्सट्रोवर्ट नहीं होता। ठीक है, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं लेकिन वो फिर भी बिजनेस करना चाहते हैं, पैसे अर्न करना चाहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को बिजनेस करना है तो उसका मतलब ये है कि आपको रोड पर ही निकलना पड़ेगा, अपना फेस दिखाना ही पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है। तो इस वीडियो में एकदम प्रैक्टिकल वे बताऊंगा, जिस आप कह सकते हैं कि कॉलेज लाइफ से मैं भी गुजरा हूं तो मुझे पता है कि कितनी शाइनेस रहती है उस टाइम पर। तो ऐसे प्रैक्टिकल वे बताऊंगा जिसको कि आप रियल में इंप्लीमेंट कर पाएं सुनने के बाद भी कि हाँ ये बिजनेस आइडिया जो है वो मैं कर सकता हूं। जिसमें कि सबसे पहला आता है नोट सेलिंग का। नोट सेलिंग क्या है कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप जब भी किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो हर एक सेमेस्टर में आपको अपना एक नोट्स बनाना पड़ता है जीरो से। और अगर आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं तो आप क्या करते हैं कि अपने सीनियर से भी थोड़े से नोट्स जो हैं वो बोरो कर लेते हैं। तो आपके खुद के भी नोट्स रहते हैं और सीनियर्स के भी रहते हैं। तो ये तो आपने कर लिया, इसको पढ़ के आपने एग्ज़ाम दे लिया और आप पास हो गए, लेकिन अब उन नोट्स का क्या होगा, वो वेस्ट। फिर जो नए साल जो नया बच्चा एडमिशन लेगा वो फिर जीरो से स्टार्ट करेगा, वो फिर एक नोट्स बनाएगा, फिर अपने सीनियर से बोरो करेगा थोड़ा सा और फिर उसे पढ़ेगा, फिर नेक्स्ट ईयर यही सेम चीज़ रिपीट होगी। तो कहने का मतलब है कि बार बार सब कुछ जीरो से करना पड़ता है। तो जो भी चीज़ आपको जहाँ पर प्रॉब्लम लिखे वहाँ पर बिजनेस जो है हम बिल्ड कर सकते हैं। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, आप क्या कीजिए कि आपके पास नोट्स है ही, ठीक है, और आपने थोड़े बहुत सीनियर से ले लिया, उनको कंपाइल कीजिए। कंपाइल कैसे करेंगे, उन नोट्स को आप इतने सारे ऐप आते हैं, स्कैनर है, ऐप स्कैनर है, आप वहाँ से स्कैन करके उसको डिजिटल फॉर्म में अपने पास रख लीजिए, या फिर प्रिंटर शॉप पे जाके आप स्कैन करवा के उस फाइल को अपने कंप्यूटर पे रख लीजिए। सिंपल सा हो गया। अब आपके माइंड में आएगा कि ये चीज़ हमने कर तो ली लेकिन उसको सेल कैसे करें। अब सेल करने का भी सिंपल सा तरीका है, आपको क्या करना है, अगर आप फेस दिखा सकते हैं, फेस रिवील कर सकते हैं, तो आप एक यूट्यूब वीडियो बना लीजिए, एक ही सिंगल, है ना। आपको चैनल नहीं क्रिएट करना है, बस आपको एक सिंगल यूट्यूब वीडियो बनाना है कैमरे में रिकॉर्ड करके, उसमें आपको बताना है कि आपने वो नोट्स में क्या क्या डाला है, ठीक है, क्या क्या बेचने के लिए आप दे रहे हो। तो वो चीज़ आप बता सकते हो कि उसके अंदर कंटेंट क्या क्या है, मतलब जो खरीदने वाला इंसान है उसको क्या क्या मिलेगा, ये कर सकते हो। अगर आपको फेस नहीं दिखाना तो आप बिना फेस दिखाए आप ये चीज़ बोल सकते हो, ताकि एटलीस्ट खरीदने वाले को पहले पता रहे कि उसने पैसे जो देने वाला है उसको उस नोट्स में क्या मिलेगा, ठीक है। तो आप ये अपने कॉलेज में भी कर सकते हो और दूसरे कॉलेज में भी कर सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सेम ही होते हैं, सिलेबस जो है वो सेम ही होता है, और एजुकेशन सिस्टम आप जानते ही हो इंडिया का ऐसा है कि 40-40 साल तक सेम ही रहता है। तो आप ये कह सकते हो कि आगे आने वाले 40 साल तक तो वो आपको कहीं नहीं चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, आपका वो कोर्स चलता ही जाएगा। अब इसको सेल करने के और भी तरीके होते हैं, जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि आपको वीडियो के थ्रू जाना है, आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने जूनियर से बोल के उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे डलवा सकते हैं। जूनियर्स का क्लास ग्रुप होता ही है, बैच ग्रुप होता है, ठीक है, जिसमें एक CR बना हुआ होता है, आप उनके उसमें डलवा दीजिए। अब ये चीज़ होती कैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर दो पेमेंट गेटवे होते हैं, एक होता है इंस्टा मोजो और एक है रेजर पे। मैं पर्सनली रेजर पे यूज़ करता हूँ। रेजर पे क्या है, रेजर पे में आप एक पेमेंट लिंक बनाते हैं, पेमेंट लिंक पे आप उस फाइल को रखते हैं जो कि आपको सेल करना है, प्लस साथ ही साथ उसमें एक रेट डालते हैं कि ये रेट है, और अपना एक बैंक अकाउंट डालते हैं, ठीक है। फिर वो इन सब को लेके आपके लिए एक लिंक क्रिएट करके दे देगा। अब आपको वो लिंक जो है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डलवाना है, जो जूनियर्स के व्हाट्सएप ग्रुप हैं, सीनियर्स के व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जिसको भी आप टारगेट करना चाह रहे हैं उनके ग्रुप में डलवाइए, या आप वीडियो बना के सेल कीजिए। तो वो जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेगा वो पे करेगा और उसको वो फाइल मिल जाएगी, ठीक है। आप 100 रुपीज़ रख लीजिए, 50 रुपीज़ रख लीजिए, इट्स अप टू यू। नेक्स्ट आप ये भी कर सकते हो कि आप पेड प्रमोशन की तरफ भी जा सकते हो। गूगल एड्स है, फेसबुक एड्स है और इंस्टाग्राम एड्स है। अब मैं आपको बताऊं ये इतने सफिशिएंट है कि मैंने खुद का ऐड चला रखा है खुद के कोर्स का। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं जितने भी बिजनेस आइडिया बताऊंगा उसमें मैं खुद भी डील कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने खुद का ऐड चला रखा है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, 500 रुपीज़ दिए हैं सिर्फ, और 200,000 लोगों तक पहुँचा है, ठीक है, 200,000 लोगों तक पहुँचा है। अब आप एक बार इमेजिन करके देखिए, आप 500 रुपये देंगे और 200,000 लोगों तक पहुंचेगा, मान लेते हैं कि उनमें से 20,000 लोगों ने सिर्फ लिंक पे क्लिक किया, या 4,000 लोगों ने लिंक पे क्लिक किया और 100 लोगों ने भी खरीद लिया, या 200 लोगों ने भी खरीद लिया और 100 रुपये का कोर्स है, तो डायरेक्ट 20,000 रुपये आपके हाथ में आ जाएंगे,
ठीक है। और ये हर साल रिपीट होता रहेगा, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा लाइन है जहाँ पे सिलेबस तो चेंज होता नहीं, आपको हर साल मिलेगा। जब आप कॉलेज छोड़ दोगे तब भी वो सेल होता रहेगा, ठीक है। तो बेचने के अलग अलग तरीके हैं, या तो आप अपना फेस दिखा लो यूट्यूब के थ्रू, नहीं दिखाना नो इशू, आप सिंपल सा कर सकते हो कि आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डलवा दो, वो भी नहीं करना, आप खुद से एड्स चलवा लो। तो इसमें आपको ऐसे खुद फ्रंट फुट आने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कंपाइलेशन अच्छा रखना है, अपने नोट्स का स्ट्रक्चर अच्छा रखना है। या तो आप सब्जेक्ट वाइज सेल कर सकते हो या आप सेमेस्टर वाइज सेल कर सकते हो। तो ये आपका पहला हो गया नोट सेलिंग का। अब यहाँ पे हमारा जो दूसरा बिजनेस आइडिया है वो होने वाला है मीम पेज क्रिएट करना। अब देखिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम इन दोनों पे ही आप पेजेस तो क्रिएट कर सकते हो इजीली। मीम पेज क्रिएट करने में क्या होता है, वो जल्दी वायरल होते हैं, क्योंकि मीम एक ऐसी चीज है जो किसी भी इंसान को समझ में आता है, हंसी आती है, वो फौरन अपने आप ही दूसरे को भी शेयर करता है, ऑटोमेटिकली वो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेगा। तो मीम पेज इसलिए वायरल होते हैं, इसलिए आप जनरली देखोगे कि हर एक कॉलेज का अपना एक मीम पेज होता है, या फिर सब्जेक्ट वाइज होता है। अगर बात करूँ कैरियर वाइज, जैसे इंजीनियरिंग का अपना होगा, आर्किटेक्चर का अपना होगा, डॉक्टर्स का अपना होता है। तो आप इस कैटेगरी वाइज में भी जा सकते हैं या कॉलेज वाइज भी जा सकते हैं, कि अपने कॉलेज का एक मीम पेज क्रिएट कर लीजिए या अपने कैरियर का एक मीम पेज क्रिएट कर लीजिए, कि आप सिर्फ इंजीनियर्स पे ही मीम बनाएंगे, है ना, या फिर कॉलेज का एक क्रिएट कर सकते हैं मीम पेज। तो अब आपके माइंड में आएगा कि तो इससे अर्निंग कैसे करेंगे। देखिए कुछ नहीं है, ये बहुत जल्दी पहली बार तो वायरल होता है। अब अगर आपको पोस्ट बनाना है ना, तो पोस्ट बनाने के दो तरीके हैं, या तो आप कैनवा पे चले जाइए और आप जीरो से डिज़ाइन कीजिए मीम को, ठीक है, या फिर इसके ऑटोमेटिकली एक ऐप भी आता है जो कि है मीम चैट करके। आप meme chat.in पे जाएंगे और वहां से जाके भी आप क्रिएट कर सकते हैं मीम्स को, और ये मीम्स क्योंकि ऑटोमेटिकली वायरल होंगे तो आपके फॉलोअर्स बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा तो फिर अर्निंग कैसे होगी। देखिए अर्निंग करने का बहुत सिंपल सा रूल है, अगर आपके कॉलेज में वोटिंग सिस्टम होता है, स्टूडेंट्स को अपनी कोई बात रखनी है, कोई प्रमोट करना है, तो वो आपके पास आएगा कि भाई मेरे को प्रमोट कर दो, ठीक है। प्रमोट करने का आप चार्जेस ले सकते हो, अगर वो स्टोरी डलवा रहा है तो अलग चार्जेस लो, रील डलवा रहा है तो अलग चार्जेस लो, या फिर अगर वो पोस्ट डलवा रहा है तो अलग चार्जेस लो, तो आप ऐसे चार्ज कर सकते हो। अगर आपको अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखनी है तो आप छुपा के रख सकते हो कि आपने ये पेज बनाया है, किसी को कभी पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि उस केस में फिर वोट वाला आपके पास आए या कॉलेज वाले आपके पास आए। तो आप इस तरीके से प्रमोट नहीं करके आप किसी ब्रांड के पास खुद से जा सकते हो, जैसे कि मार्केट में PR एजेंसीज बहुत होती हैं, जिनमें कि अगर सबसे फेमस मैं बताऊं, जो मैं जानता हूं पर्सनली, जिसको मैं यूज़ करता हूं, वो है वायरल पिच। वायरल पिच में आपको जाके बस अपने आपको साइन अप करना होता है, फिर वहां पर ना जितने भी ब्रांड्स होते हैं ना, वो वहां पर जाते हैं और वो वहां पर रेट लिख देते हैं कि हम 500 रुपये देंगे, बस आपको मेरे जो टूथपेस्ट है उसका बस पोस्ट अपने उस पर डालना है, ठीक है, अपने इंस्टाग्राम पे डालना है, और आपके इंस्टाग्राम पे कम से कम 2,000 या 3,000 सब्सक्राइबर फॉलोवर्स होने चाहिए, बस उनकी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, वो 500 रुपये आपको हाथों हाथ दे देंगे, ठीक है। तो आप ऐसे बस PR एजेंसीज पे जाके अप्लाई कर सकते हो, तो आपको फौरन पैसे मिल जाएंगे। अगर आप दिन के 4 भी उनके कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट कर लेते हो, जैसे कि क्रीम्स के बहुत सारे एडवर्टीजमेंट चाहिए होते हैं, तो ऐसे वो अपनी किट भी भेजते हैं, नहीं तो आप खुद ब्रांड के पास चले जाइए, viralpitch.com जैसे उस पर जा सकते हो .in पे, और वहाँ पर भी जाके अपने आप को साइन अप कर सकते हो, और वहाँ पर जाके आप अप्लाई कर सकते हो ऐसे डील्स के लिए, ठीक है। बहुत इजी होता है, इजी टू मेक मनी होता है, बस आपको फॉलोअर्स बढ़ाने होते हैं। तो इसमें सारा टैलेंट है कि आप मीम कितना अच्छा बनाते हो, मीम कितना अच्छा बनाते हो, इस पे टैलेंट होता है सारा। तो बहुत सिंपल है, आपको बस अपने आप को, और जो पहला बिजनेस था नोट सेलिंग वाला, वो भी प्रमोट करने के लिए हो सकता है आपके पास ही आ जाए, है ना, कि आप अपने इंस्टाग्राम पेज पे जो है प्लीज़ मेरे को कर दो, क्योंकि आपके पास इसी कॉलेज के सारे बच्चे हैं, है ना, और मुझे इसी कॉलेज में सेल करना है, तो आप उससे भी चार्ज ले सकते हो, ठीक है। तो इन तरीके से भी आप अर्निंग कर सकते हो। तो इसलिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आपको ज़्यादातर मीम पेज देखने को मिलते हैं, क्योंकि सब ऐसे ही अर्न कर रहे हैं और सारे स्टूडेंट ही हैं, कोई भी इसमें बड़े लोग का गेम नहीं है, ये सारे स्टूडेंट्स ही प्ले करते हैं। तो आप भी बिना फेस दिखाए, बिना एक्सट्रोवर्ट हुए, आप ये काम कर सकते हो, और मीम ऑटोमेटिकली वायरल होता है। एक बार ट्राई करो, आपको खुद पता चलेगा कि ऑटोमेटिकली वायरल होता है। आप खुद भी कितनी बार कितने मीम्स को जो है वो शेयर करते होगे फेसबुक पे या अपने इंस्टाग्राम पे दोस्तों को या व्हाट्सएप पर, ठीक है। तो ये बहुत इजी टू मेक मनी है, अगर आप चाहो तो ये ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पे जो थर्ड बिजनेस है वो है ट्रैवल एजेंसी, के आप एक तरीके से एजेंट बन सकते हो और वहाँ पे अपना कमीशन अर्न कर सकते हो। अब ट्रैवल एजेंसी के सुनते ही आपके माइंड में कहीं ऐसा ना आ जाए कि अच्छा, अब आपको लोगों को ट्रैवल के लिए भेजना पड़ेगा तो लोगों को सर्च करना पड़ेगा। नहीं, ज़रूरी नहीं है, आप अपने कॉलेज में भी बैठे बैठे ये काम कर सकते हो। आप बस सिंपल सा एक व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट बना लो, उसमें आप लिख लो कि आपका जो भी ट्रैवल एजेंसी का नेम है आप खुद से बना के लिख लो। वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये प्रमोट करना है, स्टूडेंट तक ये पहुँचाना है कि अगर आपको अपने घर भी जाना है ना दिवाली पे, ठीक है, तो आप टिकट बुक करवा सकते हो मेरे से, जो भी मार्केट में प्राइस है, चाहे वो डायरेक्ट ऐप से ही कर रहे हो, किसी भी ऐप से कर रहे हो वो, ठीक है,
तो जो भी उनका आ रहा है ना, आप उससे भी कम रेट पे आप उनको वो टिकट प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही उनको पता चलेगा, वो ऑटोमेटिकली आप ही से करवाएंगे। अब मान लीजिए कि आप कब तक किसी का वेट करोगे, कब वैकेशन आएगा, कब लोग घर जाएंगे, तो सिंपल सा आप कॉलेज वालों को भी ये डील प्रोवाइड कर सकते हो कि आप कॉलेज वालों से बोल सकते हो कि अगर आपको अपने स्टूडेंट्स को ट्रिप पे भेजना है तो मैं मार्केट रेट से कम पे कर दूंगा। तो पहले आप अपनी कोटेशन मंगा के देख लो और फिर मैं अपनी कोटेशन दूंगा, ठीक है। तो जिसका कम पड़ेगा आप उसको ले लेना, ठीक है। तो मतलब आप मार्केट रेट से कम रेट पे आप ट्रैवल बुक कर सकते हो। ये आपको बस प्रमोट करना है और आप इजीली आपको वो डील आराम से मिल जाएगी। अब ये आप करोगे कैसे, देखिए मार्केट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब के थ्रू आप एक वेबसाइट बना के भी कर सकते हो, एक पोस्ट सिंपल सा कैनवा पे बना के भी कि आप एक ट्रैवल एजेंसी हो और छोटे छोटे से डील करते हो, ये सब कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डलवा सकते हो जूनियर्स और सीनियर्स के, कि अगर किसी को टिकट बुक करवाना हो तो ये करवा लो, क्योंकि आप कॉलेज में हो तो पहला आपका अप्रोच यही रहेगा, ठीक है। जो रहेगा मैं वही बता रहा हूँ। अब आपके माइंड में ये चीज़ आएगी कि ये सब कर तो लेंगे हम, मार्केटिंग कर लेंगे, लोगों को एक बार को बता भी देंगे, लेकिन हम करेंगे कैसे इस चीज़ को। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले जाना है B2B पोर्टल पे। B2B क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस। कुछ आपने देखे होंगे बिजनेस टू कस्टमर होता है, B2C बोलते हैं उसे, मतलब एक बिजनेस कस्टमर को प्रोवाइड करता है कोई भी सॉल्यूशन, और एक होता है B2B कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप होलसेलर को देखोगे तो वो कस्टमर को कभी नहीं बेचता, होलसेलर हमेशा दूसरे डीलर को बेचता है, तो उसे बोलते हैं B2B, ठीक है। तो वैसे ही आपको B2B पोर्टल पे जाना है। इसमें इंडिया में जो है ना मोस्टली तीन फेमस हैं, एक है अकबर ट्रेवल्स, दूसरा है मेक माई ट्रिप का, अगर आपने सुना हो माई पार्टनर बाय MMT, है ना, मेक माई ट्रिप, तो ये है दूसरा, एंड थर्ड वन इज ट्रिप जैक। तो इन तीनों पे आपको जाके साइनअप करना है और वहाँ पर आप एज ए एजेंट आप वर्क करोगे, तो वहाँ पर आपको कमीशंस बहुत अच्छे मिलते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि 3,000-2,000 एक फ्लाइट की टिकट में भी अर्न करते हैं कमीशन, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि अगर आप पूरे कॉलेज का ट्रिप भिजवा रहे हो, या आप मान लीजिए कि मंथली कोई भी छुट्टी पड़ रही है, किसी भी स्टूडेंट को जाना है तो वो आपके पास आ रहा है, फिर आप ऐसे करते करते आजू बाजू के जितने भी कॉलेजेस होंगे उनमें आप फेमस हो जाओगे, वो आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे ही मैसेज करेंगे कि मुझे यहां का टिकट चाहिए, वो आपको पेमेंट कर देंगे। तो आपको क्या करना है, क्योंकि आपको पता है 2,000 रुपये, तो आपको बस मार्केट से कम प्राइस रखना है, ठीक है। अगर मान लीजिए मार्केट में 500 का बिक रहा है तो आप क्या कीजिए, और आपका प्रॉफिट वहाँ पे 200 का आपको दिख रहा है, तो आप बस 100 का ही प्रॉफिट लीजिए और उनको सेल कीजिए 400 रुपये में, ठीक है। तो आपको 100 का प्रॉफिट मिल जाएगा, उनको 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, और इस तरीके से काम होता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा, जो कि है ट्रैवल एजेंसी का। तो इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत फ्रंटफुंट आना पड़ेगा, नहीं, सबके लिए आप सिंपल से एक वेबसाइट भी डिज़ाइन कर सकते हो बेसिक सा, तो वैसे भी काम निकाल सकते हो, नहीं तो एक पोस्ट बना लो, नहीं बनाना अगेन एक यूट्यूब का सिर्फ एक वीडियो बना लो, एक वीडियो, ठीक है, चैनल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर डलवा दो कि आप ये काम करते हो, बस दैट्स इट। और आपको ये मार्केटिंग एटलीस्ट एक क्लाइंट तो आ ही जाएगा, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऑटोमेटिकली रिकमेंडेशन पे आते रहते हैं। अब आते हैं अपने फोर्थ बिजनेस आइडिया की तरफ, जो आप कर सकते हैं इजीली, वो है फ्रीलांसिंग का। आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं और किसी भी एक सॉफ्टवेयर में अगर आपकी एक्सपर्टीज है, या किसी भी एक फील्ड में अगर आपकी एक्सपर्टीज है, तो आप वो काम को कर सकते हैं, और इसको हम बोलते हैं बेसिकली फ्रीलांसर। मतलब कि आप घर बैठे बैठे उस काम को करते हो अपने अकॉर्डिंग, आप क्लाइंट से एक डील फिक्स कर लेते हो कि मैं 10,000-50,000 में आपका ये काम करूंगा और 20-40 दिन में करके दे दूंगा, और आपको वो काम करके देना होता है, बीच बीच में आपको अपडेट्स देने होते हैं बस, तो आप उसे फ्रीलांसर बोलते हैं। आप उस तरीके से काम कर सकते हो, बस आपको किसी भी एक सॉफ्टवेयर में एक्सपर्टीज होना है या उस पूरे फील्ड में एक्सपर्टीज होना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हो। अब ये आपको देखना है कि आप एक्सपर्टीज किस में हो, ठीक है। कुछ लोग होते हैं स्केचिंग में, कुछ होते हैं पेंटिंग में, कुछ होते हैं ऑटोकैड में, कुछ होते हैं ईटैब में, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, अलग अलग नाम है, अलग अलग स्किल्स है, कुछ लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, कुछ लोग ग्राफिक डिजाइनर होते हैं, कुछ लोग वेब डिजाइनर होते हैं, तो आपके तरीके हैं, आपका कौन सा स्किल्स है वो आपको देखना है, और आप उस पर फ्रीलांस कर सकते हो। अब इनके ऑलरेडी जो है वो बहुत सारे वेबसाइट हैं जो आपको प्रोजेक्ट्स ला के देते हैं, जिसमें कि सबसे फेमस जो है फ्रीलांसर है, और दूसरा है आपको अपवर्क, और फाइबर भी जो है fiverr.com भी इसमें वर्क करता है। तो ये तीन मेजर हैं जो इंडिया में फेमस है, और यहाँ पे मोस्टली लोग अपने आप को एज ए कंसल्टेंट, एज ए फ्रीलांसर अपने आप को पोस्ट करते हैं, और वो बोलते हैं कि हम ये सर्विसेज देते हैं, ठीक है। और सारे क्लाइंट वहाँ पर जाके अपना फिर अपने हिसाब से उनको सर्च करते हैं और उनको वो डील प्रोवाइड करते हैं। अभी मैं रिसेंटली अगर अपना भी बताऊं, तो मेरे को अपना वेबसाइट जो है वो डिज़ाइन करवाना था, तो मैं भी freelancer.com पर ही गया था, और वहाँ पर एक बंदे को मैंने अप्रोच किया था और उनको बोला था कि मैं इतना अमाउंट दूंगा और ये चीज़ें होंगी,
ठीक है। तो मतलब मेरा भी पहला अप्रोच वही ही था कि वहाँ जाके करना है, क्योंकि देखिए जो भी अभी अगर आपको नॉलेज नहीं है या आपको किसी कंपनी के पास जाएंगे तो बहुत हाई चार्जेस लेते हैं, लेकिन फ्रीलैंसिंग में क्या होता है कि अब मैं घर बैठे बैठे काम कर रहा हूँ तो मुझे ऑफिस का चार्ज नहीं लेना, मुझे लाइट बल्ब इन सब का चार्जेस नहीं लेना, तो इसलिए फ्रीलैंसर आपको सस्ते पड़ते हैं। अगर आप हायर करोगे एज ए प्रोफेशनल तो फ्रीलैंसर सस्ते पड़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए मोस्ट ऑफ दी अगर आप देखोगे वर्क, इवन बड़े बड़े कंपनीज जो होते हैं पेप्सी कोको कोला जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियाज होती है ना, ये भी फ्रीलैंसर को ही अपना एड्स देती हैं कि हमारे लिए दो ऐड बना के दे दो, कोको कोला का एक ऐड बना के दे दो, एक मैगी का ऐड बना के दे दो, एक पिज़्ज़ा का ऐड बना के दे दो। अगर आप लोगों ने देखा होगा पिज़्ज़ा का ऐड देखा होगा तो वो जो स्लाइस खींचते हैं एक्चुअली इट्स नॉट अ चीज़, वो उसके अंदर फेविकोल भरा हुआ होता है, ठीक है। तो वो बनाने वाले का तरीका है कि उसने कैसे अपनी एक्सपर्टीज़ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दिखाई, उसके अंदर फेविकोल भरा उसको खींचा तो हमें लगता है वो चीज़ है, ठीक है। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो गई, तो उनका तरीका एक्सपर्टीज़ है, उनके स्किल्स हैं। तो बड़े बड़े कंपनियां भी फ्रीलांसर को ही हायर करती हैं, जैसे कि मैंने आपको मेरा एग्जांपल दिया कि मुझे वेब डिज़ाइनिंग करवानी थी तो मैं वहीं पर ही गया। अब यहीं पर एक छोटा सा गैप दिखता है, वो ये है कि अगर आप चाहो तो इसको भी फिलअप कर सकते हो, आप इन वेबसाइट पर अपने आप को साइन अप करवा सकते हो और अपनी एक्सपर्टीज़ दे सकते हो, साथ ही साथ आप एक कोल्ड मेल्स भी डाल सकते हो। कोल्ड मेल्स क्या होता है, कोल्ड मेल मतलब एक ही मेल आप अलग अलग लोगों को भेजो और उसमें लिखो कि आपके पास ये एक्सपर्टीज़ है, अगर आपको ये एक्सपर्टीज़ चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं रिवर्ट बैक करके, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मैं अभी ग्रोइंग स्टेज पे हूँ, ठीक है, मेरा यूट्यूब चैनल जो अभी ग्रोइंग स्टेज पे है। अब ग्रोइंग स्टेज पे तो मेरे को अभी उतनी एक्सपर्टीज है नहीं, मुझे उतनी नॉलेज है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फ्रीलांस पे जाऊँगा। लेकिन अब सोचिए कि आप में से कोई स्टूडेंट ने अगर मुझे कोल्ड मेल्स भेजा होता कि आपको वेब डिज़ाइनिंग बनानी है, मतलब करनी आती है, आप वेब डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है, और अगर आपको कॉन्टैक्ट करना हो इन फ्यूचर तो आप प्लीज़ मुझे रिवर्ट बैक कर सकते हो, तो मैं सबसे पहले आपके पास जाता क्योंकि मैं आपसे थोड़ा नेगोशिएट भी कर लेता, ठीक है, और आपका पहला प्रोजेक्ट होता दूसरा प्रोजेक्ट होता तो आप भी उसको मन से करते और थोड़े कम पेमेंट में कर लेते, है ना। तो इस तरीके से होता है कि अगर आप हम जैसे यूट्यूबर्स को जो ग्रोइंग स्टेज पे है, ठीक है, या सोशल मीडिया, अगर आप सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम फेसबुक इनको है तो आप इनको भी रीच आउट कर सकते हो जो ग्रोइंग स्टेज पे है, ठीक है, आप उनको भी कोल्ड मेल्स भेज सकते हो क्योंकि उनको ज़रूरत होती है कई बार, या कई बार उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें ज़रूरत है, लेकिन जब मेल्स आता है या मैसेजेस आते हैं तो उनको ऑटोमेटिकली समझ में आता है अच्छा हाँ मैं ये सर्विस ले सकता हूँ, ठीक है। तो आप हम जैसे लोगों को भी मेल्स भेज सकते हो क्योंकि हम ग्रोइंग स्टेज में, हमारा बिजनेस बढ़ेगा आपका बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली सबकी ही बढ़ती है देखा जाए तो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप वर्क कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको एक रियल एग्जांपल दूँ तो मेरे पास कोल्ड मेल्स आते हैं, लेकिन कहाँ के आते हैं, यूएसए के आते हैं। यूएसए के आते हैं कि हम $12 में आपको थंबनेल बना के दे देंगे। अब डॉलर में पे करना आपको पता है मुझे कॉस्टली पड़ेगा, इसलिए मैं करवाता ही नहीं हूँ, ठीक है। मतलब कि मेरे पास कोल्ड मेल्स आ रहे हैं लेकिन यूएस वालों के आ रहे हैं, तो आप सोच सकते हो। तो अगर मतलब आप ऐसे ही और यूट्यूबर्स को या कोई इन्फ्लुएंसर को अप्रोच कर सकते हो, एटलीस्ट एक कोल्ड मेल तो डाल ही सकते हो, बस एक मेल डालना है, एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाओ, ठीक है, और एक अच्छा सा मेल लिखो, प्यारा सा एक ही मेल लिखना है, उसको कॉपी पेस्ट ही करना है आपको, ठीक है, और एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बना लो कि छोटा सा काम डेमो दिखाने के लिए कि आप इस टाइप का काम कर सकते हो, ठीक है, और वो सबको सेंड करना है, बस इतना सही काम होता है और आपको ऑटोमेटिकली कभी ना कभी इन फ्यूचर आ जाएगा, हो सकता है आज नहीं कल नहीं लेकिन आ जाएगा। और एक भी क्लाइंट बन गया ना, उसको रेगुलरली रिपीटेशन में काम पड़ता रहता है। तो इस तरीके से बिजनेस आइडियाज़ ऐसे ही चलते हैं और बिजनेसेस भी ऐसे ही चलते हैं, और आपको घर बैठे बैठे ही करना है ये सारे बिजनेस, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बोला था, इसमें आपको कोई एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट होने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें बस आपको बिजनेस करना है, आपको अर्न करना है, सिंपल सा बात ये है, सिंपल रूल है, मुझे पैसे कमाने और बिजनेस को अर्न करना है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये चार आइडियाज़ जो है वो पसंद आए होंगे। और इसी से रिलेटेड हमारा पांचवा निकल के आता है जो कि है हमारा टी शर्ट डिज़ाइनिंग का। टी शर्ट डिज़ाइनिंग का भी सेम ही है, टी शर्ट डिज़ाइन में आपको क्या करना है, आपको हर एक ब्रांच का आपको पता है कि अपने अपने टी शर्ट बनते हैं, जैसे कि नॉर्मली आपने इंजीनियर्स पे देखा होगा, है ना, CA पे देखा होगा कि टी शर्ट के कोई कोड्स लिखे हुए वो टी शर्ट पे लिखा हुआ है, ठीक है। सो इट्स अ टी शर्ट डिज़ाइनिंग का एक तरीके से होता है कि आप लोगो डिज़ाइन कर सकते हो, टी शर्ट डिज़ाइन कर सकते हो। मैंने भी एक बार सोचा था, इस पर मैंने कभी वर्क नहीं किया, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं क्यों ना, क्योंकि आर्किटेक्चर स्टूडेंट मेरा आर्किटेक्चर बैकग्राउंड रहा है, तो मैं सोचा था कि क्यों ना ऐसे लिखूं कि नॉर्थ कहाँ है, क्योंकि जनरली फैकल्टी पूछती रहती है शीट पे कि नॉर्थ कहाँ है, नॉर्थ कहाँ है, है ना। तो मैं सोचा था कि एक लोगो बनाओ, उसके नीचे लिख दो नॉर्थ कहाँ है, तो नॉर्थ का एक लोगो बनाया, नॉर्थ कहाँ है, ठीक है। तो इस टाइप के आप पूरे टी शर्ट पर लिखा हुआ है तो वो एक तरीके से अच्छा भी लगता है, जल्दी वायरल भी होता है कि मुझे भी ऐसी टी शर्ट चाहिए, ठीक है। तो आप इस टाइप के टी शर्ट बिजनेस में भी आ सकते हो। आना कहाँ पर होता है, आप vista.in पे जा सकते हो, ठीक है, vistaprint.in पे जा सकते हो। वो क्या करते हैं, आपको प्रोवाइड करते हैं, इसमें आपको टी शर्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है और टी शर्ट आपको बेचने के लिए पहुँचाने की ज़रूरत नहीं होती। आप vistaprint.in पे जाओ, वहाँ पे आपको अपना लोगो जो है वो डालना होता है। अब लोगो कहाँ से बनाओगे, लोगो आप बनवाओगे canva.com से, खुद जाके बना सकते हो, वहाँ पे ऑटोमेटिक लोगो बने हुए आते हैं, बस आपको अच्छे कोड्स लिखने होते हैं किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच को लेके, ठीक है, जो कि बिक सके, जो ज़्यादा वायरल हो सके, बस इतना करना होता है, जो लोगों को पसंद आए, डिसेंट लगे,
ठीक है, वो आपने वहाँ पे लोगो बना लिया, विस्टा प्रिंट डॉट इन पे जाके आपने प्रिंट करवा लिया, ठीक है, वो लोगो अपलोड कर दिया वहाँ पे, उनका जो है आपने प्राइस पे कर दिया और उसको डायरेक्ट आप चाहो तो अपने पास मंगवा सकते हो या डायरेक्ट जिसने मंगवाया है उसके एड्रेस पे भी भिजवा सकते हो, फिर वहाँ से आपको कमीशन जो है वो मिल जाता है। ठीक है, आप उसमें रेट भी एक्स्ट्रा बढ़ा के लिख सकते हो, जैसे कि मीशो को आपने देखा होगा, उसमें आप डायरेक्ट भेज सकते हो, ऐसे होलसेलर जो है किसी को बेच भी सकते हो। ठीक है, या अगर आपके पास बल्क में ऑर्डर है और विस्टा प्रिंट में अगर आपको थोड़े से चार्जेस हाई लग रहे हैं तो आप बी यंग करके एक वेबसाइट है वहाँ पे भी जा सकते हो, लेकिन वहाँ पे आपको मिनिमम 10 टी-शर्ट्स तो लेनी पड़ती है। ठीक है, सेम ऑर्डर के 10 टी-शर्ट्स लेनी पड़ती हैं तभी वो आपको बल्क में और सस्ता प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। तो ये बेसिक आइडियाज़ थे, आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप मार्केटिंग कर सकते हो, किस तरीके से काम कर सकते हो। अब गाइस, मैं जिससे रिलेट करता हूँ मैं उसी के आइडियाज़ आपको दे पा रहा हूँ और आई होप सो कि आपको इसमें ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ एक्सट्रोवर्ट होने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ द बेस्ट आइडिया अकॉर्डिंग टू मी इन 2023 कि आप ये बिज़नेस आइडियाज़ जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो और अर्न कर सकते हो।